घुसखोरी पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 3000 रुपए रिश्वत लेते हुए इंद्रगढ़ तहसील के वृत्त घाट का बराना के भू अभिलेख निरीक्षक कानूनों को रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। सरकार से मोटी तनख्वाह लेने के बावजूद कई अफसर व कर्मचारी घूस लेने से बाज नहीं आ रहे। फाइल पर वजन रखे बिना कोई काम नहीं होता। सुविधा शुल्क मिलते ही काम जल्दी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह ऊपर के स्तर पर ही है, बल्कि निचले स्तर पर भी भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहराई हुई है। बूंदी एसीबी टीम ने ज्ञानचंद मीणा उपाधीक्षक के नेतृत्व में इंद्रगढ़ तहसील के वृत्त घाट का बराना के भू अभिलेख निरीक्षक कानूनगो शिवजी राम को 3000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई कानूनगो के लाखेरी स्थित किराए के मकान में की गई। उपाधीक्षक एसीबी ज्ञानचंद्र मीणा ने बताया कि 1 जुलाई 2021 को इंद्रगढ़ तहसील के सत्यनारायण राठौर पुत्र रामस्वरूप उम्र 49 जाति तेली निवासी मालिकपुरा ने एसीबी कार्यालय बूंदी में शिकायत की थी कि कृषि भूमि खसरा संख्या 312 रकबा 4.16 हेक्टेयर ग्राम मालिकपुरा के संबंध में न्यायालय अपील प्राधिकारी कोटा के दिनांक 7/4/2021 को प्रार्थी के पक्ष में दिए गए आदेश की पालना में उपरोक्त कृषि भूमि का कब्जा दिलवाने व अप्रार्थी गढ़ को पाबंद करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा है, जिस पर शिकायत का सत्यापन करवाया गया तो रिश्वत मांग करने की पुष्टि हुई, जिस पर 2 जुलाई 2021 को ट्रैप की कार्रवाई करते हुए लाखेरी स्थित स्टेशन रोड वाटम लेवल किराए के मकान से 3000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। रिश्वत की राशि बरामद की जा चुकी है। परिवादी सत्यनारायण राठौर ने बताया कि न्यायालय द्वारा उनके पिता के नाम पुश्तैनी जमीन से कब्जा हटाकर उन्हें दिलाने और अतिकर्मियों को पाबंद करने आदेश की पालना कराने को लेकर शिवजी राम बार बार चक्कर कटा रहा था व कार्य करने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था, जिस पर 30,000 रुपए में सौदा तय हुआ, जिसमें से 27,000 रुपए पूर्व ले चुका था। कार्रवाई में पुलिस उपाधीक्षक एसीबी बूंदी ज्ञानचंद, टीम सदस्य राजकमल, राम सिंह, वीरेंद्र सिंह चालक, प्रेम प्रकाश शामिल रहे। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा से मैं RWMC के मेरे पिताजी केस जीत के आए, उसका कब्जे का आदेश है। मेरे को कब्जा दिलाने की एवज में 30,000 रुपए की मांग की गई और मेरा पहला है 7 तारीख 4 महीना 2021 को मेरा वहाँ से पहला आया हुआ है। मैं इनके पास मेरे पिताजी को भेजते इतने दिन हो गए न तो ये मौका स्थिति पा रहे हैं और मेरे से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। 30,000 रुपये मेरा तय हुआ, 27,000 रुपये मैंने ये 29 तारीख को दे दिए और 3,000 रुपये मैंने आज साहब से मिल के दिए। परेशान कर रहा था आपको? परेशान बहुत तगड़ा साहब। और HDM साहब ने मेरे इनको दो बार आदेश कर दिया, तहसीलदार साहब ने आदेश कर दिया, थाने के नाम आदेश कर दिया, फिर भी न तो जाब्ता लेके गए ये और खुद एक ले जाके और वहाँ मौका स्थिति में 2-3 आदमियों के गवाह करवा के साइन करवा लाए। हमारे किसान सतनारायण राठौड़ है, ये आया था, इसने बताया सर जो मेरी जमीन है वो इंद्रगढ़ का तहसील का में अच्छी है, तो वो जमीन में हमारे जो पारिवारिक विवाद था वो विवाद के संबंध में RWM से चल रहा था। न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला कर दिया और आदेश दिया कि तहसीलदार संबंधित कानूनों को भेज कर इसको परिवादी को कब्जा संभाले, कब्जा संभाला के अपराधी पक्ष को पाबंदी कार्रवाई कराए। तो परिवादी जब कानूनों से मिला वी टाइम न्यूज के लिए राजस्थान बूंदी से हनुमानगढ़ की रिपोर्ट।